उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया। ये फैसला केंद्र सरकार के गले में हड्डी बन रहा है और विपक्ष इस पर हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है। अब इस पर बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री ने प्रियंका को जवाब दिया है। प्रियंका के इस बयान पर अभिनेत्री पूजा बेदी ने उनको खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, प्रिय प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक है कि भाजपा कोटा सिस्टम और आरक्षण प्रणाली को खत्म करना चाहती है। अगर हम एक भारत और मेरिट में विश्वास करते हैं तो हमें इस विभाजनकारी राजनीति का अंत करना होगा। ये कदम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ाया गया है। ये आरक्षण प्रणाली हमेशा के लिए किसी को नहीं दी जा सकती। कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी फिल्मों से फिलहाल दूर हैं, लेकिन अक्सर बॉलीवुड के इवेंट्स में नजर आ जाती हैं। टीवी पर उनका शो काफी मशहूर हुआ था। पूजा अखबारों के कॉलम भी लिखती हैं। 2011 में वो बिग बॉस का हिस्सा भी रही थीं। पिछले दिनों ही पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई की थी। हाल ही में उनकी बेटी आलिया फर्नीचर वाला की फिल्म जवानी जाने मन रिलीज हुई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।